Hello everyone, welcome to my YouTube channel Education Tube. Today I am going to talk about Bucharest 9 group या B9. तो B9 इसके बारे में जानने वाले हम आज, क्योंकि ये न्यूज में है. Bucharest 9 group है जो कि 9 कंट्री का ग्रुप है, जो कि आपको दिखेगा पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, लिथुआनिया, लाटविया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, बुल्गारिया एंड एस्टोनिया. तो ये 9 यूरोपियन कंट्री है और इन 9 ने मिलकर के एक ग्रुप का फॉर्मेशन किया जिसे B9 या बुकारेस्ट 9 कहते हैं. तो चलिए इसके बारे में जानते हैं डिटेल से. इसका फॉर्म देखा जाए तो 2015 में इसका फॉर्मेशन हुआ था. इट वाज फॉर्म्ड अंडर द इनिशिएटिव ऑफ रोमानिया एंड पोलैंड. इट इज आल्सो कॉल्ड बुकारेस्ट फॉर्मेट या B9. द ग्रुप वाज फॉर्म्ड एट द रोमानिया कैपिटल रोम एंड हेंस द नेम. तो यह जो ग्रुप का फॉर्मेशन 2015 में हुआ था, इसका इनिशिएटिव देखा है तो रोमानिया एंड पोलैंड के द्वारा किया गया था और एक रोमानिया का जो कैपिटल है रोम, वहां पर यह फॉर्म हुआ था जिसकी वजह से इसका नाम जो बुखारेस्ट दिया गया है. तो चलिए इसके बारे में जानते हैं डिटेल से, क्यों B9 यह न्यूज में है, इससे के अलावा और सारी बातें जान. आगे बढ़ने से पहले हम एक बार मैप की ओर देखेंगे. यह मैप यूरोप का है और यहाँ पर आपको दिखेगा बिगेस्ट कंट्री यहाँ पर दिख रहा है रशिया, और रशिया के सहारे आपको यहाँ पर मिलेगा इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, पोलैंड, चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया, जो कि B9 कंट्रीज का ग्रुप है. तो B9 न्यूज में है, तो इसके मैप जो है यूरोप के मैप में आपने देख लिया. इसके अलावा चलिए जानते हैं डिटेल से, Why was B9 formed? तो B9 का फॉर्म क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या कारण है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. रशिया नेक्स्ट क्रीमिया फ्रॉम यूक्रेन इन 2014, द B9 वॉज फॉर्म्ड कंडेमनिंग द एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया फ्रॉम यूक्रेन. तो यहाँ पर जो रशिया है उसने यूक्रेन का एक बहुत बड़ा पार्ट है क्रीमिया, उसको जो अपने कंट्रोल में ले लिया था 2014 में, और अभी भी वहां पर रशिया का ही कंट्रोल है. तो B9 ग्रुप जो है यूरोप की कंट्रीज है, इसने अपना एक ग्रुप बनाया और इसका बहिष्कार किया. तो 2015 से जो है इसका बहिष्कार कर रहा है B9 ग्रुप, जो कि कंट्री आपने पहले देख लिया. द B9 मेंबर वेयर आइदर ए पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन बिफोर इट्स डिसइंटीग्रेशन या स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस. तो देखा है तो ये B9 के मेंबर अधिकतर जो है जब सोवियत यूनियन का ब्रेक डाउन हुआ था तो उनसे अलग होकर के जो लिथुआनिया है, बेलारूस है, ये सभी जो है सोवियत यूनियन का पार्ट था, और जब सोवियत यूनियन का ब्रेक डाउन हुआ तो ये सभी कंट्री फॉर्म हुआ है. तो यही वो सभी कंट्री मिलकर के B9 का ग्रुप बनाया और इसका बहिष्कार करता है कि रूस जो है रशिया फिर से अपने पार्ट में जो है या कंट्रीज को ना मिला ले. तो यहाँ पर देखते हैं, द B9 हैज प्रपोज टू एक्सटेंड द ऑर्गेनाइजेशन ईस्ट वर्ल्ड, इट वॉन्ट्स टू इंक्लूड यूक्रेन, मोल्डोवा एंड जॉर्जिया. तो B9 और अपना ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करना चाहता है और उसमें यूक्रेन, मोल्डोवा एंड जॉर्जिया को भी सम्मिलित करना चाहता है. यूक्रेन इज ऑफ ग्रेट इंपोर्टेंस टू US, यू एंड B9 बिकॉज इट इज बफर बिटवीन द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड रशिया. तो B9 एक तरह से देखा जाए तो यूरोप की जो कंट्री है और रशिया का, इसके बीच वाले रीजन में बफर स्टॉक का काम करता है. तो यहाँ पर यह कंट्री जो है, जैसा कि आपने देखा 2014 के बाद इसका फॉर्मेशन है, और यहाँ पर आपको दिखेगा यूक्रेन और रशिया, जो कि आपको यहाँ पर दिखेगा क्रीमिया जो कि ब्लैक सी में है, और ब्लैक सी में जो है क्रीमिया 2014 में जो इस पर कंट्रोल रशिया ने कर लिया, आपको यहाँ पर क्रीमिया आइलैंड दिख रहा होगा. तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये क्यों जो है रशिया ने इस पर अपना कंट्रोल पर्वत जमा लिया है, जो कि यूक्रेन का पार्ट था क्रीमिया 2014 से पहले. व्हाई इज B9 इन न्यूज रिसेंटली? तो रिसेंटली जो है B9 जो है न्यूज में है, तो इस पर चर्चा हो रहा है. लिथुआनिया रिसेंटली अलाउड टू ताइवान टू ओपन एन एम्बेसी इक्विवेलेंट ऑफ इट्स सोइल. तो ये लिथुआनिया ने जो है ताइवान को अपने यहाँ एम्बेसी खोलने का देखा जाए तो अधिकार दे दिया, यानी कि आप एम्बेसी यानी ताइवान एम्बेसी अपना खोल सकता है लिथुआनिया में, और लिथुआनिया जो है B9 कंट्रीज का मेंबर है. दिस एंगर चाइना अकॉर्डिंग टू चाइना. ताइवान इज नॉट ए सेपरेट कंट्री एंड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना. अभी तक देखा है तो चाइना मानता है कि ताइवान जो है वो
उसका इंटीग्रल हिस्सा है अपने कंट्री का, लेकिन ताइवान मानता है कि नहीं, ताइवान जो है चाइना से अलग एक सेपरेट कंट्री है। US and B9 countries are supporting Lithuania action. और US यानी United States of America और B9 countries के जो member हैं वो Lithuania को support कर रहा है कि आपने जो काम कर रहे हैं ताइवान को embassy खोलने का जो अधिकार दिया है आपने वो सही किया है। तो यहाँ पर जो है चाइना और लिथुआनिया के बीच में जो कंट्रोवर्सी शुरू हुआ है इसलिए B9 न्यूज में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रशियन फेडरेशन ब्रेकडाउन होने के बाद जो कंट्रीज बना है यहाँ पर इस्टोनिया, लाटविया, बेलारूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान। तो चलिए आगे जानते हैं। Why did Russia annex Crimea? तो क्वेश्चन यहाँ पर रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स क्यों किया, यानी कि क्यों उस पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। तो यहाँ पर उस रशिया का लॉजिक है और उसके पीछे कारण है। द सी ऑफ एजोव एंड ब्लैक सी आर कनेक्टेड बाय केर्च स्ट्रेट। यहाँ पर जो केर्च या कर्च स्ट्रेट है उसके थ्रू जो कनेक्ट होता है, सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है। The Kerch Strait is located in Crimea. The strait is an important sea route. Russia can reach Mediterranean Sea countries through this strait. Russia annexed Crimea for its strategic location. Crimea was a part of Ukraine. और यहाँ पर देखा जाए तो annexation से पहले Crimea Ukraine का part था, और यहाँ पर एक ही इसका reason है कि जो strait है Kerch उसे रशिया का सीप जो है पास हो सके आसानी से, इसलिए रशिया ने जो है क्रीमिया को एनेक्स किया। द यूएस एंड यूरोपियन यूनियन आर अगेंस्ट दिस एनेक्सेशन रीजन, दे डू नॉट वांट रशिया टू कैप्चर द मेडिटेरियन सी एंड मार्केट। और यहाँ पर यूएस और यूरोपियन यूनियन जो है इसका बहिष्कार कर रहे हैं इसलिए ताकि रशिया का प्रभुत्व जो है ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी में अधिक ना बढ़ जाए और मार्केट को अधिक ट्रैप ना कर ले, इसकी वजह से जो है यहाँ पर ये विवाद छिड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मेडिटेरियन सी से कोई सीप अगर रशिया तक पहुंच सकता है तो उसको एजियन सी से पास होना होगा। सी ऑफ मरमरा स्ट्रेट यहाँ पर जो कि ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है उससे पास होगा, और ब्लैक सी में अगर रशियन कोई सीप है तो उसको सी ऑफ एजोव जाने के लिए जो कर्च स्ट्रेट है क्रीमिया के पास है उससे गुजरना होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है रूस अपना रास्ता क्लियर करने के लिए जो क्रीमिया को एनेक्स किया है। आई होप इस मैप से आपको क्लियर हो गया होगा कि रशिया ने एनेक्स क्यों किया है क्रीमिया को, और रशिया एक ऐसा कंट्रीज है जो कि कैस्पियन सी और ब्लैक सी दोनों को बॉर्डर टच करता है। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं जो कि क्लियर मैप है रशिया का और यूक्रेन का और टर्की का और ब्लैक सी का। तो यहाँ पर ब्लैक सी से टच करता हुआ कंट्री आपको मिलेगा टर्की, जॉर्जिया, रशिया एंड यूक्रेन, बुल्गारिया, रोमानिया, और यहाँ पर ये सभी कंट्रीज हैं जो कि ब्लैक सी को टच करते हैं। आगे चलते हैं। व्हाट इज द ताइवान इशू? ताइवान इशू जो है क्या है, इससे जुड़ा हुआ है। तो आफ्टर द 1949 सिविल वार ताइवान लीडर्स डिक्लेयर ताइवान एज ए सोवरेन स्टेट। हाउएवर चाइना बॉट इन वन कंट्री टू सिस्टम फॉर्मूला, अंडर दिस ताइवान वाज गिवन ऑटोनॉमी। तो 1949 में सिविल वार खत्म होता है और ताइवान के लीडर जो है ताइवान को एक सोवरेन स्टेट जो है डिक्लेयर करता है, बट ताइवान और चाइना के बीच का जो यहाँ पर डिक्लेरेशन होता है उसमें एक बात माना जाता है कि चाइना बॉट इन वन कंट्री टू सिस्टम फार्मूला, चाइना का ही पार्ट होगा ताइवान लेकिन उसके अंदर दो फार्मूला होगा। अंडर ताइवान वाज गिवन ऑटोनॉमी, चाइना के अंडर में रह करके ताइवान को ऑटोनॉमी दिया जाएगा, इस तरह से कुछ बातें कही गई। In return, China claimed that Taiwan is the integral part. उसके बाद China claim करता है कि यह जो है Taiwan integral part है। This was rejected by Taiwan, और Taiwan इसको reject करता है। The economy of Taiwan is strong, और US, Japan and several other countries are Taiwan as a gateway to make business with China. और यहाँ पर जैसा कि Taiwan जो है चाइना मानता है उसका इंटीग्रल पार्ट है लेकिन ताइवान इसको मानने से इनकार करता है, और इकोनॉमी जो है ताइवान का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और यूएस, जापान और अदर कंट्री जो है ताइवान के थ्रू जो चाइना से देखा जाए तो बिजनेस करना चाहता है, इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है कंट्रीज को क्योंकि ताइवान दे कैन पास द कस्टम ड्यूटीज एंड टैक्सेस, दस दे सपोर्ट ताइवान। तो ताइवान से जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है तो वहां पर कम टैक्स लगता है जिसकी वजह से US, जापान, अदर कंट्रीज जो है वो ताइवान के थ्रू चाइना से ट्रेड करना चाहता है ताकि ज्यादा बेनिफिट हो सके।
तो ये न्यूज में है अभी, इसके B9 से जुड़ा हुआ था। तो आप देख सकते हैं ताइवान का लोकेशन, यहाँ पर साउथ चाइना सी आपको मिलेगा, ईस्ट चाइना सी मिलेगा, पैसिफिक ओशन में आपको यहाँ पर फिलीपींस, तो ये सभी जो कंट्रीज हैं पैसिफिक ओशन के आसपास वाले रीजन में, और जापान, या सबके बीच में एक छोटा सा जो कंट्री दिख रहा है ताइवान है, और इसकी कैपिटल जो ताइपे ही है। और साइड के मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि बड़ा करके हमने लिया है, इसके अलग अलग हिस्से हैं, पार्ट्स हैं। और आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।